मेरे सेटअप में मैं कई सारे स्मार्ट बल्ब यूज़ करता हूँ, सीपीयू के पीछे, डेस्क लैंप पे और पता नहीं कहाँ कहाँ। तो इसलिए मैंने एमआई के 10 स्मार्ट बल्ब खरीद लिया था और इसको यूज़ करते हैं मुझे लगभग 4 से 5 महीने हो चुका है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में भी क्यों ना एक आप लोगों को रिव्यू दे दिया जाए। सो हे गाइस, माय नेम इज कुशल एंड यू वाचिंग माइनी टेक्स। और आज के वीडियो में मेरे पास है एमआई के 2 स्मार्ट बल्ब। ये एक 10 वॉट 8GB स्मार्ट बल्ब है और ये चलता है वाईफाई के थ्रू। वाईफाई के थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हो और ये अमेज़न एलेक्सा प्लस गूगल असिस्टेंट दोनों को सपोर्ट करता है, तो यू कैन यूज दैट फॉर दैट। प्लस मैं आपको इस वीडियो में इस बल्ब के बारे में कुछ प्रोज बताऊंगा, कुछ कॉन्स बताऊंगा कि क्या क्या इसमें मुझे अच्छा लगा, क्या क्या इसमें मुझे बुरा लगा है और क्या ये बल्ब आपको 1100 या फिर 1300 रुपये में परचेस करना चाहिए कि नहीं। तो इन दी एंड अगर आपको ये वाला स्मार्ट बल्ब पसंद आ जाता है और अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो और हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अगर आपको इसी तरह का वीडियोज़ देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी दबा सकते हो ताकि आप हमारे फ्यूचर के वीडियोज़ मिस ना करो। और अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो सबसे पहले प्राइसिंग की बात करते हैं, तो ये वाला स्मार्ट बल्ब का जो प्राइसिंग है इसके बॉक्स में वो है 1499 रुपीज़। बट ये वाला स्मार्ट बल्ब आपको नॉर्मल डेज में अमेज़न में या फिर फ्लिपकार्ट में देखने को मिल जाएगा अराउंड 1299 रुपये का, मतलब कि 1300 रुपये का, और कभी कभार सेल में ये आपको 1100 रुपये का भी देखने को मिल सकता है। और बॉक्स की बात करते हैं तो सामने की तरफ यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एमआई के ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है और 16 मिलियन कलर, गूगल असिस्टेंट, वो सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। साइड में यहाँ पे मी एलिजिबल यहाँ पे वाइट एंड कलर लिखा गया है एंड पीछे की तरफ यहाँ पे थोड़ा बहुत टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और यहाँ पे प्राइस टैग दिया गया है जो कि 1499 रुपीज़ का है। तो और तो कुछ बॉक्स में खास बात है नहीं, तो अभी चलो हम लोग बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स को ओपन करते सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का रैपर में यहाँ पे आपको आपका स्मार्ट बल्ब मिल जाता है। और फर्स्ट इन हैंड फील की बात करते हैं, ये वाला स्मार्ट बल्ब जो है पहली बार हाथ में लेके काफ़ी ज़्यादा हैवी लगता है एंड ट्रस्ट मी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है ये, मतलब बहुत ही प्रीमियम लगता है। किसी भी एंगल से ये वाला स्मार्ट बल्ब आपको यहाँ पे चीप वाला फीलिंग नहीं देगा, दिस इज़ अ वेरी प्रीमियम प्रोडक्ट। तो अभी इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक यूज़र मैनुअल जिसको आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे पढ़ना तो चाहिए क्योंकि यहाँ पे अगर आपको इसको पेयर करना है तो यहाँ पे हर एक वो स्टेप के बारे में बताया गया है जिससे कि आप इसको पेयर कर सकते हो। वैसे पेयर करना काफ़ी यहाँ पे आसान है, बट अगर आपको पेयर करना नहीं आता है आपके ऐप से या फिर राउटर से तो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हो और इसको पेयर कर सकते हो। तो यही थे सारे के सारे बॉक्स कंटेंट। तो अभी चलो हम लोग इस बल्ब के थोड़ा बहुत बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। डिज़ाइन की बात करते हैं, ये वाला बल्ब जो है बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगता है एंड थोड़ा बहुत मॉडर्न टाइप का यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब कि जो मॉडर्न डिज़ाइन होता है वो मतलब टोटली यहाँ पर डाल दिया है। और यहाँ पर मैं अगर इस बल्ब को कंपेयर करता हूँ मेरा मानसा का स्मार्ट बल्ब से तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ऑड लगता है मानसा वाला स्मार्ट बल्ब और ये वाला जो मी स्मार्ट बल्ब है ना कितना बढ़िया लगता है और कितना मॉडर्न या फिर थोड़ा बहुत मतलब कितना क्लीन लगता है इसका डिज़ाइन, क्योंकि यहाँ पे इसका जो डिफ्यूज़र है वो यहाँ पे फ्लैट टाइप का डिज़ाइन में दिया गया है विच इज़ अ वेरी बिग प्लस पॉइंट और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। और अगर आप इसको कोई लैम्प स्टैंड में या फिर कहीं पे भी यहाँ पे अटैच करते हो तो वो आपको मतलब काफ़ी अच्छा फील देगा, लुक्स देगा काफ़ी अच्छा एंड आपका जो मिनिमलिस्टिक या फिर सिंपलिस्टिक यहाँ पे डिज़ाइन या फिर सेटअप है उसको यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन करेगा। प्लस यहाँ पे ये वाला बल्ब जो है काफ़ी छोटा फॉर्म फैक्टर में आता है विच आई रियली लाइक, क्योंकि यहाँ पे जो सनशेड है या फिर मतलब जो शेड है लाइट बल्ब का जो टेबल लैम्प में लगाता है शेड, तो वहाँ पे ये जो है काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे छोटा फॉर्म फैक्टर होने के लिए ये वाला बल्ब जो है बाहर से नहीं दिखेगा एंड वो जो है काफ़ी अच्छी बात हो जाता है। बट यहाँ पे अगर आप इसको कोई घर का नॉर्मल होल्डर में अटैच करना चाहते हो तो वहाँ पे फॉर्म फैक्टर की कोई बात नहीं है, वहाँ पे नॉर्मली आप अटैच कर सकते हो। बट यहाँ पे डिज़ाइन के मामले में ये वाला बल्ब का जो है एक ही ड्रॉबैक है विच इज़ ये वाला जो बल्ब है वो ओनली E27 माउंट के साथ आता है, यहाँ पे B22 माउंट के साथ नहीं आता है जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चलता है और हर घर में यहाँ पे B22 यहाँ पे माउंट आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ये वाला बल्ब जो है यहाँ पे ओनली E27 माउंट के साथ आता है। तो इन दी एंड यहाँ पे बात एक ही हो जाता है, यहाँ पे अगर आप एक E27 टू B22 अडाप्टर यूज़ करते हो तो यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अडाप्टर लगाने के बाद यहाँ पे ये वाला जो MI का बल्ब है वो मानसा का बल्ब से भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपका डेस्क लैंप है यहाँ पे E27 अडाप्टर है तो ही आप इसको यूज़ करें, वरना इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी या फिर आपको ये खरीदना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये वाला जो बल्ब है विच इज़ बिल्ड लाइक अ टैंक, यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे MI ने दे के रखा है। और यहाँ पे दे भी क्यों ना, यहाँ पे ये एक 1300 रुपीज़ का बल्ब है, स्मार्ट बल्ब है, तो वी शुड एक्सपेक्ट अ गुड बिल्ड क्वालिटी अबाउट दिस, राइट। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी जो इस बल्ब का बहुत ही बढ़िया देके रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बड़ा करके यहाँ पे एल्युमिनियम हीटसिंक देके रखा है जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है, काफ़ी ज़्यादा स्लीक लगता है हाथ में पकड़ के। और इसका जो कलर है वो यहाँ पे ग्रे कलर का दिया गया है जो कि देखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और यहाँ पे ये वाला बल्ब जो है यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा हीट होता है तो यहाँ पे ये वाला जो बड़ा वाला एल्युमिनियम हीट सिंक है वो इसको मतलब हीट डिसिपेट करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। प्लस इस बल्ब का डिफ्यूज़र की बात करते हो यहाँ पे आप डिफ्यूज़र भी देख सकते हो, काफ़ी गुड क्वालिटी यहाँ पे देके रखा है और यहाँ पे ये वाला जो डिफ्यूज़र है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लाइट प्रोड्यूस करता है
और मतलब आपको एक काफी अच्छा खासा फील देता है ओवरऑल ये वाला बल्ब। तो ओवरऑल ये वाला जो बल्ब का बिल्ड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। फीचर्स की बात करते हैं, ये वाला जो बल्ब है ये एक वाईफाई स्मार्ट बल्ब है जो कि आता है दो कलर के साथ, मतलब कि यहाँ पे व्हाइट कलर भी यहाँ पे आपको अलग से देखने को मिल जाता है, प्लस यहाँ पे आरजीबी कलर्स भी यहाँ पे आपको अलग से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप इसको व्हाइट कलर या फिर वार्म व्हाइट कलर में यहाँ पे यूज करना चाहते हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो, और अगर आपको यहाँ पे आरजीबी 16 मिलियन कलर चाहिए तो वो भी इसमें अवेलेबल है। प्लस यहाँ पे ये वाला बल्ब जो अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट दोनों को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे आप कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हो इट विल कंपेटेबल विद दैट। लुमिनेंस की बात करते हैं, ये वाला बल्ब 800 लुमेंस के साथ आता है, प्लस यहाँ पे ये वाला बल्ब का जो लाइफ स्पैन है वो है 25,000 आवर्स जो कि मेरे हिसाब से 5-6 साल हो जाता है, बट यहाँ पे अगर आप इसको डेली यहाँ पे 4-5 घंटा करके यूज करते हो तो यहाँ पे शायद से ये वाला बल्ब जो है कंपनी दावा करता है कि ये वाला बल्ब जो है 11 आवर्स तक आराम से चल जाएगा, 11 आवर्स नहीं 11 ईयर्स तक आराम से चल जाएगा। अभी ऐप की बात करते हैं, ये वाला जो स्मार्ट बल्ब है ये दो ऐप के साथ काम करता है, एक तो है मी होम दूसरा है ई लाइट एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मी होम मेरे को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ पे मी होम में बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे ई लाइट वाला जो एप्लीकेशन है वहाँ पे बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा फीचर्स अवेलेबल है जो कि मी होम वाला एप्लीकेशन में अवेलेबल नहीं है। तो मैं इस वीडियो में ई लाइट वाला एप्लीकेशन का रिव्यू करने वाला हूँ और मैं आपको इसके सारे सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे आपका मी स्मार्ट बल्ब को इसका ऐप के साथ पेयर करने के लिए सबसे पहले आपका जो स्मार्ट बल्ब है उसको 5 बार टर्न ऑन या फिर टर्न ऑफ करना पड़ेगा, 5 बार ऐसा करना पड़ेगा। उसके बाद आपका बल्ब जो है पेयरिंग मोड पर चला जाएगा और उसके बाद आप ऐप से जो है ऐड बल्ब पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपने बल्ब को जो है यहाँ पे पेयर कर सकते हो। और एक बार पेयर करने के बाद आपको सबसे पहले वाला टैब में यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का यूआई देखने को मिलेगा जहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आपको सीन्स यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि मूवी सीन या फिर रीडिंग सीन या फिर कैंडल लाइट, बहुत सारे यहाँ पे इफेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पे आप अपने सिचुएशन के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। और इसके ठीक नीचे यहाँ पे आपको डिमर दिया गया है, यहाँ से आप अपने बल्ब के ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो घटा सकते हो। और उसके बाद वाला टैब से यहाँ पे आप अपने बल्ब को जो वार्म वाइट टू कूल वाइट में यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आपको वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पे आप वार्म वाइट से लेकर कूल वाइट तक यहाँ पे कलर्स को चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे इसका जो वाइट कलर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, एंड प्लस यहाँ पे इसका जो वार्म कलर है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे जो मानसा वाला स्मार्ट बल्ब है मेरे पास उसका जो वार्म लाइट है थोड़ा बहुत हार्श है और मी स्मार्ट बल्ब का जो वार्म वाइट है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगला वाला टैब आता है हमारा कलर टैब, जहाँ से अपने कोई भी कलर को चूज कर सकते हो 16 मिलियन कलर्स से। बट टेक्निकली ये वाला बल्ब जो है बोलते हैं कि ये 16 मिलियन कलर्स है, बट एक्चुअली ये है नहीं। मैं आपको बताता हूँ क्यों, कि यहाँ पे ये वाला जो बल्ब है ये सिर्फ सॉफ्ट कलर प्रोड्यूस करता है। एज एन एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको हार्ड ऑरेंज चाहिए या फिर हार्ड पिंक चाहिए तो वो इसमें अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ सॉफ्ट ऑरेंज या फिर सॉफ्ट पिंक ही मिलेगा और बाकी जो कलर्स है यहाँ पे सारे के सारे सॉफ्ट कलर्स ही यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे हार्ड कलर में सिर्फ रेड हार्ड कलर में है, ब्लू हार्ड कलर में है और यहाँ पे ग्रीन भी हार्ड कलर में अवेलेबल है और बाकी के जो कलर्स है वो यहाँ पे सॉफ्ट कलर में दिया गया है। बट एक्चुअली अगर मैं इसको अपना मानसा वाला बल्ब से कंपेयर करता हूँ, मानसा वाला स्मार्ट बल्ब से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मानसा का कोई भी कलर जो यहाँ पे बहुत ही वाइब्रेंट प्रोड्यूस करता है, बट यहाँ पे अगर मैं चाहता तो यहाँ पे सॉफ्ट लाइट भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ, बट एक्चुअली मानसा का जो कलर्स है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है एज कम्पेयर टू मी स्मार्ट बल्ब, जो कि मी स्मार्ट बल्ब का मुझे एक लेट डाउन लगा है, बहुत ही बड़ा लेट डाउन लगा है। मेरे को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया मी स्मार्ट बल्ब, और मुझे मानसा वाला स्मार्ट बल्ब काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे भी लगा रखा है और वहाँ पे भी लगा रखा है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आता है हमारा फ्लो का इफेक्ट, जहाँ से आप कोई भी ग्रेडियंट इफेक्ट फ्लो में चला सकते हैं या फिर मतलब जिसको कहते हैं कलर साइकिल, तो उसी को थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे कोई भी 4 कलर पिक कर सकते हो और वो उसी कलर्स में यहाँ पे साइकिल थ्रू होता रहेगा। प्लस इस एप्लीकेशन के साथ आप अपने बल्ब को जो है टाइमर दे सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो कब ऑन जलना है कब बंद होना है या फिर कब तक के लिए जलना है कब तक के लिए बंद होना है, तो वो सब आप टाइमर या फिर शेड्यूल कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आप जो कलर पिक कर सकते हो कैमरे के थ्रू, तो वो भी काफ़ी अच्छा फीचर है। प्लस यहाँ पे ये वाला बल्ब जो है मतलब लास्ट करंट स्टेट यहाँ पे याद रखता है, तो यहाँ पे अगर आपका करंट चला जाता है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि करंट आने के बाद यहाँ पे आपका लाइट जला रहेगा या फिर बंद हो जाएगा। और मेन फीचर इस एप्लीकेशन का ये है कि इसका म्यूजिक सिंक, जो कि मी होम एप्लीकेशन में नहीं मिलता है, जो कि यहाँ पे आपको मिलता है, जहाँ से आप माइक्रोफोन के थ्रू आप सॉन्ग्स को कैप्चर कर सकते हो या फिर इनबिल्ट इंटरनल ऑडियो के थ्रू आप अपने सॉन्ग्स को कैप्चर कर सकते हो, और आपका जो बल्ब है वो म्यूजिक के साथ साथ यहाँ पे कलर चेंज होता रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, बहुत से लोगों को ये पता नहीं है। तो ओवरऑल ये वाला जो बल्ब है ना बहुत ही बढ़िया बल्ब है मेरे हिसाब से। बट इसका थोड़ा बहुत कॉन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉन्स में मेरे को दो चीज़ लगा। पहली बात तो यहाँ पे ये सिर्फ E27 अडाप्टर के साथ आते हैं या फिर E27 माउंट के साथ आते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको B22 पिन में लगाना है तो यहाँ पे आपको अलग से एक अडाप्टर खरीदना पड़ेगा जो कि 90-100 रुपए तक का आता है। प्लस यहाँ पे अडाप्टर लगाने के बाद इसका जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अगर आप इसको लैम्प स्टैंड में यूज़ करना चाहते हो तो वो आप नहीं कर सकते हो, मतलब कर सकते हो बट वहाँ पे काफी ज्यादा और लगेगा उसको देखते हुए। एक और कौन की बात करते हैं, यहाँ पे इसका जो कलर्स है वो काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा नहीं है, बुरा नहीं कहूंगा, बट यहाँ पे अगर आपको सॉफ्ट लाइट पसंद है तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, बट यहाँ पे अगर आपको वाइब्रेंट यहाँ पे विविड लाइट पसंद है जैसे कि मेरे को पसंद है तो यहाँ पे आप इस बल्ब को कंसिडर नहीं कर सकते हो। बट मेरे को ये तो कंक्लूजन लगा इस बल्ब में, तो आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो और अपना डिसीजन मेक कर सकते हो। तो इतना आज के वीडियो के लिए, और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना,
कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ऐसे क्वालिटी कंटेंट्स के लिए। ऑल्सो अगर आपको ये वाला बॉल परचेस करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो, चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। और मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलता था, तब तक के लिए बाय बाय।